योगी सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 61 करोड़ पौधे लगाने की बात कही, जिसके बाद अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस के MLC दीपक सिंह ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा, उसके बाद वो वन मंत्री के कार्यालय आए और यहाँ भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। सर, आपने ये तख्तियाँ आप लेकर रखे हैं, पेड़ करें यही पुकार, हमें बख्श दो योगी सरकार, क्या माजरा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में इस 23 करोड़ की आबादी में 61 करोड़ वृक्ष लगाने का दावा किया है, जो दावे खोखले हैं और किताबी हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी तक पृथ्वी पर कितने वृक्ष लगे हैं वो बताएं। कांग्रेस पार्टी ने सत्यापन किया है, जो मूल्यांकन कराया है उसके अनुसार अभी तक उत्तर प्रदेश में 10% वृक्ष भी सरकार के आंकड़ों के हिसाब से नहीं लगे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि वृक्ष किस जनपद में कहाँ कहाँ कितने कितने लगे हैं उसकी हमें सूची उपलब्ध करा दें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर से जाँच की है, तथ्य और प्रमाण हमारे पास हैं, कांग्रेस पार्टी इसे आने वाले वर्षाकालीन सत्र में उठाएगी। दीपक सिंह जी, एक सवाल और ये, इसको सबसे पहले ये सवाल जो है अखिलेश यादव ने उठाया था, उन्होंने कहा कि 23 करोड़ आबादी है, 61 करोड़ पौधे लगाने की बात कही जा रही, जो हवा हवाई, क्या लगता है कांग्रेस इस मुद्दे को हाईजैक करना चाहती है? इसमें अखिलेश यादव के समय के भी वृक्षारोपण के काफी ऐसे पौधे हैं जो शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछती है, लेकिन ये जवाब देने का अवसर तो अखिलेश यादव जी के समय में आता है कि उन सरकारों को मिलाकर अभी तक कितने पौधे लगे, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए। जाहिर है अब पौधों को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है योगी सरकार पर हमलावर हो चुकी है और अब ये विधानसभा सत्र में भी इसकी बातें उठेंगी। और जाहिर सी बात है दीपक सिंह MLC जो है जिस तरीके से इन्होंने ज्ञापन दिया है, इससे योगी सरकार को जवाब देने में खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्वस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। हाय गाइस, दिस इज आलिया भट्ट, यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वाचिंग।